नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम रिलेशंस सीखेंगे। आइए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। सर्वप्रथम रिलेशन किसे कहते हैं तथा इसे कैसे डिफाइन किया जाता है यह सीखेंगे। हम रिलेशंस को जोड़ना और रिलेशंस का कंपोजिशन निकालना सीखेंगे। विभिन्न प्रकार के रिलेशंस सीखेंगे। किसी रिलेशन को ग्राफिकल तथा मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अंत में हम रिलेशंस का क्लोजर निकालना सीखेंगे। आइए रिलेशन को समझने से पहले एक उदाहरण देखते हैं। माना कि x 5 छात्रों का एक सेट है। x इक्वल टू s1 s2 s3 s4 s5 और y 3 अलग अलग समितियों का एक सेट है। y इक्वल टू c1 c2 c3। एक छात्र को एक से अधिक समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार यदि हम छात्रों को उनकी समिति से संबंधित करते हैं और छात्र तथा समिति के ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं जिस समिति का वह सदस्य है, तो उदाहरण के लिए हमें दिखाया गया एक रिलेशन R मिलता है। रिलेशन, माना कि X और Y दो सेट हैं। X से Y तक का एक रिलेशन R X और Y के कार्टेशियन प्रोडक्ट X क्रॉस Y का एक सबसेट है। माना X इक्वल टू 1, 2, 3 और Y इक्वल टू 3, 4। हम X से Y में एक रिलेशन R को परिभाषित करते हैं कि X रिलेटेड Y, by condition यहाँ पर लिखा हुआ है X रिलेटेड Y if and only if X less than Y, for all X Y belongs to X। तब सेट R के एलिमेंट्स को 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4 लिखा जा सकता है। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, माना कि R एक सेट X से सेट Y में एक रिलेशन है। किसी रिलेशन के डोमेन में वह सारे X आएंगे जिनके लिए XY ऑर्डर्ड पेयर R का एलिमेंट है, तथा रेंज में वह सारे Y आएंगे जिनके लिए XY ऑर्डर्ड पेयर R का एलिमेंट है। यहां पर उदाहरण में यदि R X से Y में दिखाया गया एक रिलेशन हो तो डोमेन R इक्वल टू 1, 2, 4 तथा रेंज R इक्वल टू 2, 4, 8। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, यदि R X से Y में एक रिलेशन हो तो रिलेशन R का इनवर्स R इनवर्स Y तथा X के बीच में एक रिलेशन होगा। R इनवर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स R में दिए गए ऑर्डर्ड पेयर्स के विपरीत क्रम में होंगे। यहां पर उदाहरण में यदि R X तथा Y के बीच में दिखाया गया एक रिलेशन हो जहां R इक्वल टू 1, 2, 2, 4, 4, 8 हो, तो R इनवर्स 2, 1, 4, 2, 8, 4 होगा। क्योंकि रिलेशन एक सेट भी है, इस प्रकार हम सभी सेट ऑपरेशंस जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस आदि को दो रिलेशंस पर उसी तरह परिभाषित कर सकते हैं जैसे हम सेट के लिए करते हैं। आप यहां दिखाए गए उदाहरण में रिलेशंस में सेट ऑपरेशंस को देख सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, यदि R X से Y में एक रिलेशन हो और S Y से Z में एक रिलेशन हो, तो R कंपोजिशन S X से Z में एक रिलेशन होगा। R कंपोजिशन S के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर X Z होंगे यदि XY ऑर्डर्ड पेयर R में तथा YZ ऑर्डर्ड पेयर S में हो। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि 1, 2 R में है तथा 2, 3 S में है, इसलिए 1, 3 R कंपोजिशन S में होगा। इसी प्रकार हम बाकी एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यदि R X में कोई रिलेशन हो तो R रिफ्लेक्सिव कहलाएगा यदि सभी A belongs to X के लिए A related A अथवा
ए जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा गया है यह आर को बिलोंग करता हो। उदाहरण के लिए इंटीजर्स के सेट में इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हैं। यदि एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 हो तो दिखाए गए रिलेशंस में आर वन रिफ्लेक्सिव नहीं है जबकि आर टू रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक रिलेशन, यदि आर एक्स में कोई रिलेशन हो तो आर सिमेट्रिक कहलाएगा यदि सभी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स के लिए ए रिलेटेड बी होने पर बी रिलेटेड ए होना चाहिए। उदाहरण के लिए इंटीजर्स के सेट में इक्वल टू का रिलेशन सिमेट्रिक है। यदि एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 हो तो दिखाए गए रिलेशंस में आर वन सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1, 3 आर वन में है लेकिन 3, 1 आर वन में नहीं है। रिलेशन आर टू सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, यदि आर एक्स में कोई रिलेशन हो तो आर ट्रांजिटिव कहलाएगा यदि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स के लिए ए रिलेटेड बी तथा बी रिलेटेड सी होने पर ए रिलेटेड सी होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी सबसेट्स के सेट में सबसेट या कंटेंड इन का रिलेशन ट्रांजिटिव है। यदि एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4 हो तो दिखाए गए रिलेशंस में आर वन तथा आर टू ट्रांजिटिव हैं। आर टू में इफ कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, हम जानते हैं कि पी इंप्लाइज क्यू में जब कभी भी पी फॉल्स होता है तो पी इंप्लाइज क्यू हमेशा ट्रू होता है, अतः आर टू ट्रांजिटिव है। रिलेशन आर थ्री ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1, 2 तथा 2, 3 आर थ्री में हैं, लेकिन 1, 3 आर थ्री में नहीं है। कॉम्पेटिबल रिलेशन, कोई रिलेशन आर कॉम्पेटिबल कहलाता है यदि यह रिफ्लेक्सिव तथा सिमेट्रिक हो। उदाहरण के लिए इंटीजर्स के सेट में इक्वल टू का रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई रिलेशन आर इक्विवेलेंस कहलाता है यदि यह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव हो। उदाहरण के लिए इंटीजर्स के सेट में इक्वल टू का रिलेशन। एक उदाहरण लेते हैं, यदि आर इंटीजर्स के सेट में कोई रिलेशन हो जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई होंगे यदि एक्स माइनस वाई 2 से डिवाइड होता हो तो हमें दिखाना है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम आर को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव दिखाएंगे क्योंकि एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 जो कि 2 से डिविजिबल है, अतः हर एक एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए एक्स कॉमा एक्स पेयर आर में होगा तथा आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। माना कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आर में है तो एक्स माइनस वाई 2 से डिविजिबल होगा, जिसका अर्थ यह है कि वाई माइनस एक्स भी 2 से डिविजिबल होगा, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स भी आर में है, अतः आर एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। माना कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई तथा वाई जेड आर में है तो एक्स माइनस वाई तथा वाई माइनस जेड 2 से डिविजिबल होंगे। दोनों को जोड़ने पर हमें यह मिलता है कि x माइनस जेड भी 2 से डिविजिबल होगा, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर x जेड भी R में है, अतः R एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इस प्रकार से R इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यदि R किसी सेट x में इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो x के कोई एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास जो कि रिलेशन आर द्वारा जनरेट की गई हो एक्स के उन एलिमेंट्स बी का सेट होगी जो कि ए से रिलेशन आर द्वारा जुड़े हुए हैं। एक उदाहरण लेते हैं, यदि आर एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4 में कोई रिलेशन हो जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई होंगे यदि एक्स माइनस वाई 2 से डिवाइड होता हो तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में जो कि R द्वारा जनरेट होती हो दो एलिमेंट 1 तथा 3 होंगे। इसी प्रकार बाकी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस भी यहां दिखाई गई हैं। दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो डिसजॉइंट होंगी या फिर एक समान होंगी। इस प्रकार हर इक्विवेलेंस रिलेशन सेट पर एक पार्टीशन उत्पन्न करता है,
यहां सेट एक्स का पार्टीशन 1R और 2R है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यदि R X में कोई रिलेशन हो तो रिलेशन R को हम ग्राफ से दिखा सकते हैं, जिसके लिए X के एलिमेंट्स को हम वर्टिसेस की तरह लेते हैं तथा ऑर्डर्ड पेयर्स को डायरेक्टेड एजेस की तरह लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण में एक रिलेशन तथा उसका ग्राफ दिखाया हुआ है। मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन, यदि R X से Y में कोई रिलेशन हो तो रिलेशन R को हम मैट्रिक्स से दिखा सकते हैं, जिसे रिलेशन मैट्रिक्स कहते हैं। यदि x में n एलिमेंट्स हों तथा y में m एलिमेंट्स हों तो मैट्रिक्स का साइज n by m होगा। मैट्रिक्स का ij एलिमेंट 1 होगा यदि ith वर्टेक्स तथा jth वर्टेक्स के बीच में एक डायरेक्टेड एज हो। यहां पर उदाहरण में एक रिलेशन तथा उसका मैट्रिक्स दिखाया हुआ है। क्लोजर ऑफ रिलेशन, यदि R X में कोई रिलेशन हो तथा P रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रदर्शित करता हो तो रिलेशन R का P क्लोजर R को सबसे छोटा P रिलेशन बनाना है जिसका R एक सबसेट हो। यदि R स्वयं एक P रिलेशन है तो R का P क्लोजर स्वयं R होगा। यदि R P रिलेशन नहीं है तो हमें इसे P रिलेशन बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स को R में जोड़ना होगा। इस प्रकार से प्राप्त हुए नए रिलेशन का R एक सबसेट होगा। किसी रिलेशन का रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालने के लिए हम उसका यूनियन आइडेंटिटी रिलेशन के साथ लेंगे, जैसा कि उदाहरण में आप देख रहे हैं। किसी रिलेशन का सिमेट्रिक क्लोजर निकालने के लिए हम उसका यूनियन इनवर्स रिलेशन के साथ लेंगे, जैसा कि उदाहरण में आप देख रहे हैं। किसी रिलेशन R का ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए हम सर्वप्रथम R स्क्वायर अर्थात R कंपोजिशन R निकालेंगे। इसी तरह R क्यूब तथा अन्य कंपोजिशंस R की पावर n तक यदि X में n एलिमेंट्स हों तो निकालेंगे, और इन सब का यूनियन निकालने पर हमें R का ट्रांजिटिव क्लोजर प्राप्त होता है, जैसा कि उदाहरण में आप देख रहे हैं। इस लेक्चर में हमने रिलेशन डिफाइन करना, रिलेशंस का कंपोजिशन निकालना, विभिन्न प्रकार के रिलेशंस, रिलेशन को ग्राफिकल तथा मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना तथा रिलेशंस का क्लोजर निकालना सीखा। अगले लेक्चर में हम फंक्शन के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।